हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉरपोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो आज शुरू करते हैं जो हमने लेसन 9th क्लास के 3rd लेसन को कंटिन्यू करते हैं, जो शुरू किया था पिछली दो वीडियो में। अब ये तीसरा पार्ट है, तो इसमें भी मैं बस अब यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो उसके अलावा अगर आप कोई भी कंप्यूटर के रिलेटिव या टेक्नोलॉजी के रिलेटिव वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी, और जितने कम कमेंट आएंगे तो वीडियो को आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, पर वीडियो आएगी ज़रूर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं ट्री टाइपोलॉजी से। तो ट्री टाइपोलॉजी को मैं एक आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का नेट लगवाया है, तो वो नेट है जो आपके घर की तरफ वायर के जरिए आता है, टेलीफोन लाइन के जरिए आता है। मान लीजिए कि आपने कनेक्ट कंपनी का नेट लगवा लिया है, तो कनेक्ट कंपनी का जो नेट है वो वायर आ रही है आपके घर के किसी एक सेंट्रल हब की तरफ। तो सेंट्रल हब से वह एक आपके घर में जा रहा है नेट, और एक आपके दोस्त के घर में जा रहा है, और वही नेट किसी एक और हब के साथ जुड़ा है, मतलब किसी और दो हब के साथ और जुड़कर वह और जो दो हब जुड़े हैं वो और आगे तीन तीन कंप्यूटरों को नेट पहुंचा रहे हैं। तो इसे कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो इसके ज़रिए आप नेटवर्किंग करते हैं या नेटवर्क के ज़रिए आप डाटा वगैरह जो भी शेयर करते हैं, तो इस हिसाब से आप अपने ऑफिस में भी इस तरह से नेट चलवा सकते हैं, जिसमें जो मेन है वो तो हो जाते हैं हब, यानी कि अगर एक हब जो सेंट्रल हब है अगर ख़राब होता है तो सारी नेटवर्किंग को प्रॉब्लम होगी, और अगर सेकेंडरी हब में कोई एक सेकेंडरी हब ख़राब है तो मेन हब बचा है, यानी कि इस तरफ की लाइन बच जाएगी और दूसरी तरफ की प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि इसमें बताया है जो ट्री नेटवर्किंग कॉम्बिनेशन है, दो या दो से ज़्यादा स्टार नेटवर्क कनेक्ट के हिसाब से कनेक्ट होता है। तो इसमें एक सिंगल नोड कनेक्ट होता है सेंट्रल नोड के साथ, जैसे अभी मैंने बताया था, और फिर वह मल्टी मतलब कई अलग स्टार नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है। तो उसके बाद आगे लिखा है कि किसी भी नोड को अटैच कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सेकेंडरी नोड के साथ, जैसे कि ये आगे बताए हुए हैं दो या दो से ज़्यादा तीन कंप्यूटर को, या चार या पांच, जितने भी आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उसके बाद इसमें जो ट्री टाइपोलॉजी डिफाइंड होती है वो कॉम्बिनेशन है स्टार और बस टाइपोलॉजी नेटवर्क का, यानी कि स्टार और बस टाइपोलॉजी अगर मिल जाए तो वह ट्री टाइपोलॉजी कहलाई जाती है। तो इसमें आप देख सकते हो एक सिंगल लेवल में भी कनेक्ट है कंप्यूटर और स्टार लेवल में भी कनेक्ट है कंप्यूटर, तो इसे ही ट्री टाइपोलॉजी कहते हैं। तो आगे है फ़ायदे और नुकसान। तो फ़ायदे में पहला बताया है कि इसमें एक्सटेंशन जो स्टार टाइपोलॉजी बस टाइपोलॉजी होती है वह टाइपोलॉजी किसी के साथ इम्प्रूव वगैरह या कनेक्ट होकर किसी भी कंप्यूटर के साथ बढ़िया कनेक्ट होती है, ट्री टाइपोलॉजी मतलब बढ़िया बन जाती है। तो उसके बाद इसमें कोई भी एक्सपेंसिव वगैरह पॉसिबिलिटी है कि आसानी से वगैरह ये कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें कोई भी कनेक्ट करना है तो आसानी से ये कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो उसके अलावा बताया है कि इससे जितने भी कंप्यूटर हैं कोई भी स्टेज मतलब इसमें कोई भी स्टार नेटवर्क या कोई भी नेटवर्क को आसानी से आप मैनेजमेंट या मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी एरर अगर डिटेक्ट हो रहा है, मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम को देख रहे हो, तो वह कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, आसानी से मिल जाती है वह प्रॉब्लम, और किसी भी कंप्यूटर के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा लिखा है कि एक जो भी प्रॉब्लम डैमेज होती है तो वह किसी भी और कंप्यूटर के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाए तो बाकियों में वह इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो आगे है डिसएडवांटेज, यानी नुकसान क्या है इसके। नुकसान में बताया है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो ट्री टाइपोलॉजी को खड़ा करता है
वह मेन बस टोपोलॉजी नेटवर्क के साथ है, अगर वह मेन खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि अगर मेन नेटवर्क ही खराब हो जाए, ये मेन वाला सेंट्रल हब खराब हो जाए तो बाकी सारा बंद हो जाएगा। तो इसके बाद लिखा है कि मोर एंड मोर एज मोर एंड मोर नोड्स जो भी स्टार टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट होते हैं या मेंटेनेंस होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से कनेक्ट किए जाते हैं, यानी कि उसको कनेक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद लिखा हुआ है कि जो इसकी नेटवर्क में डिपेंड करते हैं केवल या इस्तेमाल करते हैं वह केवल को बहुत ही मतलब मुश्किल से लगाते हैं, कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस सारी केबल्स वगैरह को जो केबल के टाइप्स हैं, क्योंकि ये क्रॉस केबलिंग हो जाती है तो इसे कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद जो आगे लिखा है कि इसकी केबल जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है, सेटिंग वगैरह करवानी हाई हो जाती है, यानी कि इसके पैसे जो है वो थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं ट्री स्ट्रक्चर को बनवाने के लिए। तो ये है फ़ायदे और नुकसान। आगे है हाइब्रिड टोपोलॉजीज। तो इस हाइब्रिड टोपोलॉजी में जो भी टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है नेटवर्क करने के लिए वह आप इस्तेमाल कर सकते हो बस, मैच, रिंग, स्टार या ट्री टोपोलॉजी का, यानी कि इसमें दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का जो मिक्सचर होता है वह कहलाया जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजीज। तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे इस्तेमाल हुआ है, इसमें स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, तो ये बस और रिंग टोपोलॉजी मिलाकर ट्री टोपोलॉजी भी बन जाती है। तो ये सारी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाई जाती है जिसमें सारी की सारी टोपोलॉजीज कंप्लीट और एक साथ इस्तेमाल की जाती है। तो इसके फ़ायदे और नुकसान, इसके फ़ायदे जो हैं वो आसानी से आप कोई भी प्रॉब्लम वगैरह को ढूंढ सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो इसके जो इफेक्टिव है, मतलब ये इफेक्टिव होता है, ज़्यादा आसानी से मतलब चलता है। तो इसके जो साइज़ और इंक्लूडिंग वगैरह इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहें इतना लंबा या बहुत बड़ा बना सकते हैं, पर जितना ज़्यादा आप इसे ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो उतना ही आपको ये कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, तो ये नुकसान हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स जो हाई डिज़ाइन है, जो अजीब सा डिज़ाइन वगैरह है, तो इसे सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये नुकसान हो जाता है। तो ये ख़त्म हो गए है पॉइंट पिछला, और आगे का पॉइंट में बताया है कि डाटा कम्युनिकेशन। अब देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन जो इस्तेमाल होता है किसी भी डाटे को एक्सचेंज करने के लिए मोर या मोर कंप्यूटर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में और उसकी पिछली वीडियो में बताया ही था कि इसमें सारा का सारा जो नेटवर्किंग का आपका नेटवर्क का जो लेसन है, ये नाइन्थ क्लास का जो थर्ड लेसन है, इन सभी में यही बताया है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करके डाटा शेयर वगैरह कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, ये सारा ही नेटवर्किंग, डाटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करना, ये सारा ही नेटवर्क है। तो इसमें जो कनेक्ट होता है थ्री कंडीशन के हिसाब से, डिलीवर, एक्यूरेसी और टाइम लिमिट, यानी कि इसमें कोई भी डाटा हम पूरा का पूरा प्रॉपर अपने प्लेस में मतलब भेज सकते हैं आसानी से। एक्यूरेसी यानी एकदम करेक्ट और फ्री फॉल्ट, मतलब कोई भी प्रॉब्लम बिना, कोई भी पूरे डाटे को परफेक्टली भेज सकते हैं। तो इसके अलावा टाइम लिमिट जो होती है वो जल्दी से जल्दी, मतलब कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगती, बहुत ही जल्दी आप इसे भेज सकते हो कोई भी डाटे को डिले किए बगैर। इसके अलावा प्रॉब्लम है, अगला पॉइंट में है सेंडर मीडियम रिसीव प्रोटोकॉल्स। जो सेंडर होते हैं वह डाटा सेंड करते हैं, मीडियम्स जो करियर इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करते हैं, और रिसीविंग जो डाटे को रिसीव करते हैं, और इसके अलावा प्रोटोकॉल है जो अंडरस्टैंड करते हैं ट्रांसमिट बिटवीन सेंडर को जो भी डाटा हम सेंड करना चाहते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो सेंडर, मीडियम और प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारा डाटा हो गया, जो हम डाटा को सेंड कर रहे हैं सेंडर के ज़रिए,
मीडियम जो बीच में सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है डाटे को, और रिसीवर जो डाटे को ले रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल है वो डाटा तो प्रोटोकॉल ही लेगा। तो अगला ऑप्शन में बताया है कि मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मोड जो है वो सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स में चलता है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मेथड जो है सेंडर और रिसीविंग करने का, सिंप्लेक्स जो पहला पॉइंट है, तो इसमें बताया है कि जो सिंप्लेक्स है ये कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेट करता है। तो इसमें जो भी डाटा इंफॉर्मेशन फ्लो करता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो जो कि दूसरी तरफ यानी कि रिवर्स को पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कोई भी जो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं वह सारा का सारा सेंड होता है ओवरऑल डाटा चैनल को, जो कि रिसीव करता है, जिसमें आप डाटा कोई भी रिसीव करने वाले मैसेज को भेजते हैं। फॉर एग्जांपल कि मॉनिटर सिर्फ आउटपुट डिवाइस है जो कि सिर्फ आउटपुट लेता है यानी रिसीव करता है डाटे को और हमें दिखाता है सिर्फ, वो वह डाटे को वापस नहीं भेज सकता। तो इस हिसाब से आप टेलीविज़न देख सकते हो कि टेलीविज़न में आपको सिर्फ चैनल वगैरह कुछ भी दिखते हैं, टेलीविज़न कम्युनिकेशन। तो अगला पॉइंट है हाफ डुप्लेक्स। इसमें बताया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन का फ्लो दोनों तरफ को होता है, जैसे कि कोई भी डाटा आप लेते हो और लेते भी हो और भेजते भी हो, तो ये इंफॉर्मेशन लेना और भेजना एक टाइम पर सिर्फ एक ही करता है। मतलब अगर ये भेज रहा है तो ये ले नहीं सकता, और अगर ले रहा है डाटे को तो भेज नहीं सकता। तो इसमें जो भी एक सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिर्फ रिसीव करेगा, जैसे अभी अभी मैंने बोला, ये नीचे आप पिक्चर में देख सकते हो कि डाटा एक टाइम पर एक ही और फिर दूसरे टाइम पर दूसरा भेजेगा। तो आगे है फुल डुप्लेक्स। इसमें आप कुछ भी मतलब कम्प्लीटली एक्सेस करते हो, इसमें दोनों तरफ को डाटा जाता है, दोनों तरफ की मतलब दोनों तरफ को एक ही समय पर डाटा भेज और ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे टेलीफोन सिस्टम में आप बातचीत कर रहे हो एक दूसरे के साथ, और मान लो कि मैंने किसी को कॉल लगाई है और वह बोल भी रहा है और मेरी बातें सुन भी रहा है एक ही समय पर, तो ये फुल डुप्लेक्स हो जाता है। तो अगला पॉइंट में बताया है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल जो डाटा एक लोकेशन से किसी और अनदर लोकेशन को सेम फॉर्म में और या कहें तो मीडियम में भेजता है, और पाथवे मतलब कॉल कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल होता है दो टाइप की मीडिया में, केवल यानी पेयर, ट्विस्ट पेयर वायर केबल्स या फैब्रिक ऑप्टिकल केबल के जरिए। तो आज के समय में तो आप देख ही रहे होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो इस्तेमाल हो रही है या टू पेयर वायर, तो ये सिंगल हो गया है केबल। और जो दूसरा पॉइंट है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट को आप माइक्रोवेव मतलब साउंड वेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट या इंटरफेस यानी कि जो वायर के बिना आपको ट्रांसमिट होता है डाटा, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में आपको बिना वायर लगाए आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी डाटा, नेट या कॉलिंग वगैरह मिलती है, तो वो सारी बिना वायर के होती है, वो ब्रॉडकास्ट कहलाई जाती है। तो ये सारी कम्युनिकेट चैनल पॉइंट में आती है। तो अगला पॉइंट है टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कौन कौन से टाइप होते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको याद ही होगा, शायद लास्ट पॉइंट है, तो देखते हैं कि कैसा है ये। इसमें बताया गया है कि सर्वर जो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर या नेटवर्क्स का इस्तेमाल जो होता है कंप्यूटर में, वह करैक्टराइज जो साइज और वेल पर्पस यानी कि अलग अलग मकसद के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो साइज है नेटवर्क का जो एक्सप्रेस होता है वह जायरोग्राफिक एरिया के हिसाब से चलता है, जो कि नंबर ऑफ कंप्यूटर या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के हिसाब से कहलाया जाता है। नेटवर्क कैन कवर, जो कवर करता है नेटवर्क को, किसी भी हैंडफुल्स डिवाइस के साथ जो सिंगल रूम में
कनेक्ट होता है किसी भी मिलियंस डिवाइस के साथ, वह पूरा एंटायर ग्लोबल के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि आप एक कंप्यूटर में नेट चला रहे हो, तो वह आप एक अपने सिंगल रूम में बैठकर नेट को चला रहे हो, पर वह नेट आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करता है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। तो वह नेटवर्क टाइप्स के जो होते हैं पॉइंट, वह कौन कौन से हैं देखते हैं आगे, कि नेटवर्क जो स्मॉल या लार्ज बेस में चलता है उसे साइज कहलाते हैं, जो कम्प्लेक्सिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो होते हैं वह पूरे ऑन द बेसिक इट्स एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वह थ्री पार्ट में चलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो तीन पार्ट जो है, वह है पहला लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, दूसरा वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, और तीसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। तो ये पैन तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, जो आपके घर का सिंगल कंप्यूटर के हिसाब से कहे तो मोस्ट यानी कि सिर्फ कहलाए जाए तो मोस्टली सिर्फ तीन पार्ट में ही नेटवर्क डिवाइडेड होते हैं। तो पहला जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे कैसे चलाते हो, कि पर्सनल एरिया जो नेटवर्क है जिसे आप पैन कहते हो, वह कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंक्लूड करते हैं, आपके पर्सनल जो सिंगल कंप्यूटर के हिसाब बिल्ड होता है चलता है। तो इसमें आप एक छोटे से ऑफिस में अपने छोटे से पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल एरिया में किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करके आप अपने कंप्यूटर को चलाते हो, चाहे वो आप वायर के ज़रिए चलाओ या वायरलेस के ज़रिए कनेक्ट करो, तो वह सारा का सारा जो नेटवर्क है ये छोटा सा आपके एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किसी भी डिवाइस या गैजेट में यानी कि लैपटॉप पे PDS यानी कि मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, प्रिंटर में भेजता और लेता है, डाटे के ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर कोई भी टिपिकल 10 मीटर की रेंज में चल सकता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि मान लो आपने एक लैपटॉप में काम कर रहे हो, तो आप हेडफोन, मोबाइल, आईपॉड या किसी और लैपटॉप के साथ या माउस या प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो, तो ये सारा का सारा ऑफलाइन है, इंटरनेट के ज़रिए नहीं चल रहा है ये। तो ये मेन नहीं हुआ, पर फिर भी आपको मैंने बता दिया है। तो ये अगले तीन पॉइंट आपके मेन नेटवर्क पॉइंट है जो पूरी दुनिया के हिसाब से कनेक्ट होते हैं। तो देखते हैं अगला पॉइंट है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें बताया है कि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो इस्तेमाल होता है कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी कंप्यूटर डिवाइस का अपनी ऑफिस बिल्डिंग या घर के हिसाब से, तो इसमें आप किसी भी लैन को इनेबल करते हैं अपने डाटा और शेयरिंग वगैरह करने के लिए किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के कनेक्ट करके। तो इसमें देखते हैं आगे, हार्डवेयर या किसी भी फाइल को आप शेयर करवा सकते हो हार्डवेयर डिवाइस को। तो इसमें कैसे ये इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी डिवाइस को एक कंप्यूटर के हिसाब से या किसी भी अलग अलग कंप्यूटर के साथ या कई कंप्यूटर के साथ यानी मल्टीप्ले यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीप्ले यानी कई कंप्यूटर में बैठे हुए कई यूज़र यानी कि यूज़र हुए हम जो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटर को चला रहे हैं। तो इसमें साइज लिमिट जो टिपिकल है स्पेनिंग इस्तेमाल होती है जो कि 100 राउंड मीटर्स के हिसाब से चलती है, जो इसके और ज़्यादा माइल्स ज़्यादा नो मोर देन माइल्स मतलब और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकती है। तो ये फास्टेस्ट स्पीड होती है 10 Mbps, तो 10 Gbps के हिसाब से, यानी कि अगर आप 10 Mbps की स्पीड इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसे 10 Gbps स्पीड में भी कन्वर्ट करवा सकते हो या 10 Gbps स्पीड तक भी चला सकते हो। तो इसमें लिटल वेयरिंग टिपिकल सिंगल केबल कनेक्ट वगैरह होती है जो सिंगल डिवाइस के हिसाब से कनेक्ट की जाती है, कम से कम कीमत के हिसाब से
कम कीमत में चलती है जो कि मैन या वैन के वैंस में कनेक्ट होती है, यानी कि मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइल्ड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। कॉस्ट उससे कम कॉस्ट लगती है लोकल एरिया नेटवर्क में। तो इसमें वायर या वायरलेस दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ट्विस्ट पेयर, कॉम्प्लेक्स फाइबर या किसी भी केबल का इस्तेमाल कर सकते हो वायर में, ठीक है। तो इसमें जो सूटेबल है इसमें आप बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के हिसाब से आप इन तीन टोपोलॉजी का इस्तेमाल चला सकते हो। तो जैसे कि ये देख सकते हो कि आपका एक ऑफिस बना है, मेन हब है, उसमें तीन कंप्यूटर इस तरफ को जा रहे हैं, एक कंप्यूटर आपके मेन ऑफिस में लगा है जहाँ पर एक सर्वर है, आपका प्रिंटर लगा है या कोई भी और नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसमें केवल ट्विस्ट, टॉपिकल फाइबर वगैरह, ट्रांसमिट मीडिया का इस्तेमाल वगैरह, जो भी आप मीडिया ट्रांसफर वगैरह करना चाहते हो। तो अगला है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। तो इसमें आप, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं कि इस पिक्चर में आप अगर एक से ज्यादा बिल्डिंग में काम पकड़ा हुआ है तो आप इसमें कई नेटवर्क, इंटरनेट या कई ऑफिस के काम एक साथ कर सकते हो। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी एक सिटी के हिसाब से, शहर के हिसाब से, जिसमें आप लार्जन एरिया के हिसाब से अपने केबल टीवी नेटवर्क या किसी भी एक सिंगल केबल को फैलाकर किसी भी अलग लैंड केबल के साथ या कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ऑप्टिमाइज होता है लार्ज जायरोग्राफिकल एरिया नेटवर्क के साथ, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क या रेंजिंग करता है सर्वर ब्लॉक बिल्डिंग के एंटायर सिटी में, यानी कि पूरी सिटी में किसी भी बिल्डिंग के हिसाब से नेटवर्क को चलाने में। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो मेन ऑपरेट करता है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एक इंटरनेट के जरिए मेन किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी पूरे शहर में कंप्यूटर में चला सकता है वह अपनी पूरी बिल्डिंग के हिसाब से। तो इसमें बताया है आगे कि किसी भी कंप्यूटर में यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैनी कई इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अफोर्ड करता है हाई स्पीड नेटवर्क के हिसाब से आपको शेयरिंग करने में मदद करता है डाटे को। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टिपिकल कवर करता है किसी भी एरिया को, यानी कि 5 या 50 किलोमीटर के डायग्राम में। फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है आप टेलीफोन कंपनी के हिसाब से चला सकते हो या हाई स्पीड DSL कस्टमर या केबल टीवी नेटवर्क के हिसाब से चला सकते हो। जैसे कि मान लो कि एक एरिया में एक केबल टीवी का नेटवर्क आ रहा है, जैसे कि आजकल फास्टवे केबल जो चल रही है, तो वह एक फास्टवे केबल कंपनी अपने केबल कनेक्शन को पूरे शहर में चला रही है, तो वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके सभी को अपनी केबल नेटवर्क भेज रही है। तो इसमें टेलीफोन केबल कंपनी भी शामिल है जिसके इस्तेमाल से वह चला सकते हैं अपनी पूरी सिटी में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अगला है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वाइल्ड एरिया नेटवर्क में जो भी लार्जेस्ट जायरोग्राफिक एरिया है वह पूरी कंट्री के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आप पूरे हॉल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के हिसाब से चलाना चाहते हो तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क में कई मल्टीप्लेयर नेटवर्क्स होते हैं जो छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर पूरा एक वाइल्ड एरिया नेटवर्क मिलता है जो लैन और मैंस के साथ मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि ये आप पिक्चर में एक देख रहे हो, यहाँ पर लैन केबल्स के छोटे छोटे बने हुए हैं जो वाइल्ड एरिया नेटवर्क के साथ जुड़कर वाइल्ड एरिया नेटवर्क बनाता है। तो इसमें जो आप इस्तेमाल करते हो नेटवर्क वह टेलीफोन लाइन्स, सैटेलाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स या किसी भी सिग्नल के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें आप मीडिया
का इस्तेमाल कर सकते हो, या इसमें ट्रांसमिट होता है कोई भी मीडिया लिंक कोई भी राउटर के ज़रिए। जो राउटर डिवाइस होते हैं वह डिटरमाइंस इस्तेमाल किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाइल्ड एरिया नेटवर्क है जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारा नाइन्थ क्लास का थर्ड लेसन यानी तीसरा लेसन ख़त्म हो गया है। तो ये वीडियो लास्ट पार्ट है आपको लेसन समझाने की, और अगले पार्ट में यानी कि अगली वीडियो, अगर नाइन्थ क्लास की ये थर्ड लेसन की अगली वीडियो में लेकर आऊँगा तो उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझाऊँगा। पर इसे अगर आप समझना चाहते हो सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसकी वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो मैं बस आपको यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी नाइन्थ क्लास का ये तीसरा लेसन समझ में आ जाए। और इसके अलावा आप कोई भी और लेसन को समझना चाहते हो कंप्यूटर के, या किसी भी कंप्यूटर के रिलेटिव टॉपिक्स को समझना चाहते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी के रिलेटिव टॉपिक्स समझना चाहते हो, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे आपको उतनी जल्दी ये वीडियो मिलेगी आप मेरे इस चैनल पर। तो बस मैं यही कहूँगा, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।